हेलो स्टूडेंट, पॉलीनोमियल के पिछले लेक्चर में हम लोग यह देख चुके हैं कि पॉलीनोमियल क्या होता है, पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिफरेंट टाइप के पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, और साथ में हम लोगों ने यह भी देखा था कि जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है और ग्राफिकली उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग यह सीखेंगे कि पॉलीनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं, पॉलीनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं और उनके जो जीरोस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ठीक है, पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो देखिए, एक पॉलीनोमियल गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा बीटा इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, तो यह रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। देखिए, बी क्या है यहाँ पर? कोफिशियंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशन है इनको अगर हम लोग याद रखेंगे तो इसको अप्लाई करके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा गया? फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पॉलीनोमियल हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों का है कि ये जो पॉलीनोमियल गिवन है इनकी जीरोज निकालें, और उसके बाद जो ये रिलेशन की बात हो रही है उसको हम लोग वेरीफाई करके देखें। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, फॉर जीरोस, अगर इसका जीरो निकालना है तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। यक्स आप कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे आप फोर कॉमन ले सकते हैं, यक्स प्लस थ्री। ठीक है, यक्स प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना बच गया? यक्स प्लस फोर। तो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ से देखिए, हम लोग यक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यक्स की एक वैल्यू आएगी माइनस थ्री, एंड यक्स की वैल्यू आएगी माइनस फोर। तो इसका मतलब है कि एक को हम लोग अल्फ़ा कह दे रहे हैं, मतलब माइनस थ्री को हमने अल्फ़ा कह दिया और माइनस फोर जो है उसको हमने बीटा कह दिया। ठीक, अब हम लोग देखिए इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों का सम करेंगे ना, माइनस थ्री प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन। अब हम लोग देखिए यह निकाल लेते हैं कोफिशियंट का रिलेशन, माइनस बी बाई ए। तो देखिए, माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो देखिए, यहाँ पर यह ए है वन, बी की वैल्यू सेवन अपान ए। ए की वैल्यू क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वन, दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि जो सम ऑफ रूट है जीरोज है माइनस सेवन, और माइनस बी बाई ए भी माइनस सेवन। तो ये हम लोग वेरीफाई कर पाए क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, और हम लोग ये सी बाई ए निकालते हैं। सी बाई ए दिस इज इक्वल टू कितना? C की वैल्यू क्या है? 12। A की वैल्यू कितनी? 1 इज इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए, ये जो रिलेशन यहाँ पर गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई कर पाए। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या है? फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू। तो पहले जीरो निकालेंगे ना, तो फॉर जीरोस फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू
इज इक्वल टू जीरो। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फोर यू कॉमन यू प्लस टू, ठीक है, फोर जीरो तो होना नहीं है ना, तो इसका मतलब u की वैल्यू जीरो और u प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, u इज इक्वल टू जीरो एंड u इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब देखिए जो ये फॉर्मेट है, पाइनोमियल गिवन है, क्या गिवन है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू प्लस, अब इसको कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, आप इसको इससे कंपेयर करिए, देखिए ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो u की वैल्यू जीरो है आप इसको एक को अल्फ़ा कर दीजिए और जो दूसरा है उसको आप बीटा कर दीजिए, ठीक है। अब निकालिए सम ऑफ रूट, मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स जीरो प्लस माइनस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अब हम लोग देखिए निकालेंगे क्या, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए दिस इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए कंपेयर करिए b की वैल्यू 8 एंड a की वैल्यू 4, दिस इज इक्वल टू माइनस टू, तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए यह हम लोग जो रिलेशन है यह वेरीफाई कर पाए। अब सेकेंड को देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू माइनस टू, ठीक है, जीरो। अब हम लोग यहाँ पर सी बाई ए निकालते हैं, सी बाई ए मीन्स सी वैल्यू कितनी, जीरो, ए इज इक्वल टू फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या वेरीफाई कर पाए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये देखिए ये जो कोफिशियंट्स एंड जीरो के बीच में रिलेशन था इसको हम लोग दो क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई कर पाए। ऐसे ही आप डिफरेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, पहले आप इसकी जीरोस निकालिए, फिर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए, मतलब जीरोस निकालिए, और कोफिशियंट के साथ आप रिलेशन बहुत ईजिली वेरीफाई। अब हम लोग जीरो पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं, आप इसको देखिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है वह जीरोस हैं इस पाइनोमियल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, फार जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आप फैक्टराइज कर लीजिए, फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस फोर, माइनस वन कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस फोर, थ्रू आउट एक्स माइनस फोर कॉमन है तो एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस वन, और यहाँ से एक्स की जो एक वैल्यू है वह वन आ रही है और एक्स इज इक्वल टू फोर। तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू वन है एंड जो बीटा है उसकी वैल्यू फोर। अब क्वेश्चन में जो कहा गया वह करते हैं, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू फाइव। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वन इंटू फोर, मतलब फोर। देखिए अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं भी करना चाह रहे हैं तो भी आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते थे उस फॉर्मूले से, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते थे सी बाई ए से, ठीक है। तो हमने खैर ऐसे निकाला, आप फ्री हैं कोफिशियंट की हेल्प से निकालिए या फिर सॉल्व करके निकालिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, देखिए वन अपान अल्फ़ा प्लस वन अपान बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वन अपान अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, वन प्लस वन अपान बीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, फोर माइनस टू, अल्फ़ा यहाँ कितना रखेंगे, वन, बीटा की जगह फोर, तो यह हो गया कितना, वन प्लस वन अपान फोर माइनस एट, है ना। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे फोर, तो फोर प्लस वन माइनस थर्टी टू, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन अपान फोर, और
देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे, अल्फा प्लस बीटा निकाले थे कितना, माइनस बी बाई ए, है ना, यह भी रिलेशन बताया गया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो दिस इज इक्वल टू फाइव। और देखिए अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता, सी बाई ए, तो सी कितना है यहाँ पर, फोर, ए की वैल्यू वन, दिस इज इक्वल टू फोर। तो आप बिना सॉल्व किए भी यह वैल्यूज निकाल सकते थे। थर्ड पार्ट पे आइए, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा माइनस टू अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो पता है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो गया, बीटा प्लस अल्फा माइनस टू अल्फा बीटा। तो अब देखिए डायरेक्टली देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास फाइव है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, फोर सब्स्टिट्यूट करिए टू, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी, फोर, है ना। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फाइव बाई फोर माइनस एट, एलसीएम ले लीजिए, माइनस ट्वेंटी सेवन बाई फोर। तो यह क्या देख रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो जीरोस निकाल लीजिए तब यह रिलेशन फाइंड करिए, या फिर आप बिना जीरोस निकाले कोफिशियन की हेल्प से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और यह ध्यान रखेंगे कि जो सेकेंड मेथड है वह ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें समय भी कम लगेगा और इक्वेशन जो बना रहे हैं आप, मतलब जीरोस निकालने के लिए, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, इस तरह के बाकी क्वेश्चंस आप लगा। हम लोग जो है एक और रिजल्ट देखेंगे कि अगर किसी पॉलीनोमियल की जीरोस पता हैं तो हम लोग पॉलीनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है अल्फ़ा बीटा आर जीरोज आर पॉलीनोमियल, देन पॉलीनोमियल इज़ गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। या फिर इसमें आप कोई पॉलीनोमियल में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जीरो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप चाहें तो इसके आगे के लिख सकते हैं। देखिए अगर ये कोई क्वेश्चन उठाता है कि यह कहाँ से फॉर्म हुआ, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि देखिए एक्स की एक वैल्यू अल्फ़ा है और एक्स की एक वैल्यू बीटा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इसको एक्स माइनस अल्फ़ा बराबर जीरो लिख दीजिए, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो लिख दीजिए, है ना। अगर दो नंबर जीरोस हैं तो प्रोडक्ट भी जीरो होगा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और फिर अल्फ़ा बीटा बराबर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं पॉलीनोमियल के तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि पॉलीनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखिए इसी प्रोसेस से यह रिजल्ट फाइंड हम लोग कर सकते हैं। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि देखिए अगर यह इक्वेशन है आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरोज़ है, जीरो है, ठीक है। तो खैर हम लोगों को यह रिजल्ट याद रखना है कि अगर जीरोज़ पता है तो हम लोग कैसे पॉलीनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ़ जीरोज़ आर थ्री एंड फोर। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसके जीरो थ्री और फोर हैं, तो ठीक है अल्फ़ा इज इक्वल टू थ्री है एंड बीटा इज इक्वल टू फोर है, तो पॉलीनोमियल इज़ गिवन बाई, अब जो रिजल्ट देखिए लिखा गया वो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ पॉलीनोमियल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो सेवन हो जाएगा, तो सेवन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ट्वेल्व। इसका मतलब है कि जो पॉलीनोमियल हुआ वह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी पॉलीनोमियल के जीरोस पता हैं
तो वह पॉलीनोमियल हम लोग बहुत इजीली इस रिजल्ट से फाइंड कर सकते हैं। और हमने देखिए यह प्रोसेस बताया कि यह क्यों ऐसा हो जा रहा है कि अगर अल्फ़ा बीटा जीरोस हैं तो पॉलीनोमियल इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, जीरोस और कोफिशियंट्स के बीच में क्या रिलेशन है और उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लगाए हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने यह सीखा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस पता है तो वह क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर हम लोग इस बेसिस पर बहुत से क्वेश्चन अपने से लगा सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो जो उस रिजल्ट है उसकी क्लियरिटी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।